खबर मिल रही है आपको बताएं, यहाँ बारिश के बाद हुड़दंग करने वालों के ऊपर पुलिस का एक्शन अब शुरू हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल लखनऊ का एक वीडियो वायरल हो गया था, ताज होटल के पास जलभराव के बीच में कई हुड़दंगी वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान कर रहे थे। अब उन्हीं के ऊपर एक्शन हुआ है क्योंकि वीडियो ये वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल गाड़ी सवारों के ऊपर ये लड़के पानी उछाल रहे थे और इसी दौरान एक बाइक सवार वहां से निकला, पीछे महिला बैठी हुई थी, उड़दंगियों ने पानी उछालना शुरू कर दिया, इसी वजह से महिला बाइक से गिर गई। इस पूरे मामले में जब वीडियो वायरल हुआ है FIR दर्ज की गई, CCTV और वायरल वीडियो की मदद से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, बाकियों की तलाश अभी की जा रही है। तो बारिश के पानी में ये लड़के हुड़दंग करते वहां पर दिखाई दिए थे, खुद तो पानी में मौज मस्ती कर रहे थे लेकिन राहगीरों को भी परेशान किया इन लोगों ने। हद तो तब हो गई जब एक बाइक सवार लड़का और लड़की वहां से गुजरे, इन लोगों ने उन पर पानी फेंकना भी शुरू किया, लड़की बाइक से गिर गई, डिसबैलेंस हुआ, लड़की गिरी वहां से और फिर इन लड़कों ने अभद्रता की, उसी के बाद अब ये कार्रवाई की गई है। थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। अराजक तत्वों की पहचान करने के लिए उपलब्ध समस्त वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और इस कार्य के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। समस्त दोषियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज 18 इंडिया के अमित सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अमित, हालांकि पुलिस की जो कार्रवाई है वो काबिले तारीफ है क्योंकि स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। अमित, आगे अब क्या किया जा रहा है? देखिए, 3 पुलिस की टीम बनाई गई है, लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने ये 3 टीम बना दी है और खुद DCP रैंक के अधिकारी, जॉइंट CP रैंक के अधिकारी जो है लगातार इस मामले को नजर बनाए हुए हैं। कल DGP प्रशांत कुमार ने भी संज्ञान लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर से बातचीत की थी और कहा था कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अब इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो वीडियो फुटेज है उसे स्कैन किया जा रहा है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है, सबकी शिनाख्त हो गई है। 3 पुलिस टीम बनाई गई है जो लगातार रेड कर रही है और कल जैसे ही ये मामला निकलकर सामने आया, दरअसल काफी बारिश हुई लखनऊ में, उसके बाद जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली और जो हुड़दंगई वहां पर थे, जो बीट कांस्टेबल ने जब हुड़दंगइयों को वहां पर देखा तो बीट कांस्टेबल जो कि ज्यादा तादाद में नहीं थे वहां पर, लेकिन बीट कांस्टेबल ने भी वहां पर जब देख पाएंगे विजुअल में कि वो लाठीचार्ज कर रहे, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। DGP उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ पुलिस बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए।